भाई इसको डर नहीं लग रहा। गाइस अभी हम बैक स्टेज हैं, यहाँ पीछे जो गाड़ी दिख रही है वरुण धवन की है। देखा चालू भाई कितनी चालू है। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और अभी क्या, मैं तो सुबह से नहा चुकी हूँ एंड खुशी भी अभी नहीं है जस्ट। एंड वो देखो वो लड़की काम चोर थी ना, अभी हम रेडी हो रहे लंच कर रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और 12:30 बज रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है बताओ। और आज हम शायद जूहू बीच जाएंगे या सोशल नेशन का भी, फिर से आज सेकेंड डे है सोशल नेशन का, तो आज हम वहाँ पर भी जाएंगे शायद ही जाएंगे, जाना मुझे भाई। ये देखो पहले तो स्मार्ट लोग, ओह माय गॉड सर का एटीट्यूड, गाइस मुंबई स्ट्रीट अंदर चल रहे हैं हम लोग, खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। ओके हाँ, तो गाइस हम इतना घूमे, इतना भी नहीं घूमे, लेफ्ट राइट हुए, बट फिर हम वापस अपने होटल के ही रेस्टोरेंट में आ गए। और अभी देखते क्या खाएंगे, इनका मेन्यू आ जाए एक बार ना, तो वो देखते हैं क्या क्या है। गाइस अभी हम पी रहे हैं, ये लोग रखती से भी लस्सी पी रहे हैं, हम ये पाइन एप्पल पी रहे हैं, मैं पी रही हूँ अनार का जूस। गाइस गोभी के पराठे और आलू के पराठा और ये गोभी का पराठा। गाइस मैम और आंटी और सब आ चुके हैं और हम लोग भी लंच कर रही हूँ। और यहाँ पर आंटी और हमारे लिए इडली चाला गाइस। अभी हम जा रहे हैं जुहू बीच और हम तीन निकल रहे हैं पहले, वो लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं तैयार होने में, तो सर आलोक सर एंड राजा सर एंड रिफा जी और दीपिका मैम और आंटी भी आएंगी, तो हम पहले निकल रहे हैं हम तीनों, तो चलो। और आज का आउटफिट ये रहा, निकल गए हम लोग। और अगर हम गुम हो गए तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और कुछ नहीं। गाइस हम निकल चुके हैं और बाकी सब हमें वहीं मिलेंगे, तीन साथ में, बाकी वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, तो चलो गाइस पहुंच चुके हैं हम जुहू बीच और अभी चलते हैं एंट्री। एंट्री कहाँ से है पता नहीं है, जुहू बीच की एंट्री आगे से है। चलो गाइस जुहू बीच, ओ भाई साहब मैं पहली बार देख रही हूँ बीच, तगड़ा भाई देखो गाइस, और कितना क्राउड है भाई ये इधर। गाइस ये है जुहू बीच और आज संडे, ऊपर से इतनी ज्यादा भीड़ है इधर, क्या बोलते हैं राइड में, तो मन ही नहीं कर रहा राइड लेने का, कपड़े गीले हो जाएंगे, हमें जुहू वहाँ भी जाना है। अभी रुक जा बाद में देखेंगे, सभी को आने दे, सभी को आने दे, अभी वेव्स देखो, वेव्स देखो वेव्स। तो अभी हम सोच रहे हैं जूते कहीं रखवा लेते हैं क्योंकि हम वहाँ पर नंगे पैर जाएंगे, तो यहाँ अभी जूते रखते हैं यहीं पर कॉर्नर पे। गाइस हमारे पास ऑप्शन नहीं है जूते कहीं पर रखने के लिए, तो अभी हम जूते हाथ पे लेके जाएंगे वहाँ पर। और कितना मस्त लग रहा रेत, मैं तो पहली बार आ रही हूँ, मतलब मैं ऐसे हरिद्वार वगैरह गई हूँ बट बीच की बात अलग होती है, ये इसकी सैंड जो है ना पैरों में मुलायम, कितना अच्छा लग रहा है ना। और वो देख राइड, मैं राइड नहीं लूँगी, मुझे राइड लेने का भी कुछ शौक नहीं है क्योंकि मैं भीग जाऊंगी, तो मुझे राइड नहीं लेने वाली मैं। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज, चलते अभी आगे। वाह भाई कम लोग हैं इस साइड पे जहाँ पर हम जा रहे हैं।
भी अच्छी लग रहा है और मौसम भी अच्छा हो गया बहुत ज्यादा, नहीं तो ना कड़क धूप हो रही होती अभी। हाँ और काफी क्राउड है यार इस साइड जहाँ पर है, यहाँ पर कम लोग हैं इसलिए हम इस साइड पर आए। तो आप जैसा देख सकते हैं शीतल बन गई है बच्ची शीतल। देखा चालू भाई कितनी चालू है, इधर इधर आइए स्पेशली कि नाम दिख जाए मेरा। आए शीतल। सो गाइस ये जा रही है राइड के लिए। कौन सी राइड है तेरी? मेरी तीन राइड है, एक फ्लाई कुछ कर भी जाऊंगा। अरे मुझे डर लगता है। नहीं 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 बेटा जाओ जाओ। अरे फ्रेंड नहीं इसकी दीदी। बड़ी डर लगता भाई चलो। मुझे पानी से फोबिया है यार बहुत ज्यादा गंदा वाला। ये देखो ये पता नहीं इसमें कैसी हिम्मत है। चली गई ये बंदी मानती नहीं है, चली गई राइड पे। वो देखो अकेली गाइस गौरी का जा गई आगे। भाई इसको डर भी नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है देख कर ही। ओ भाई भाई इसको डर नहीं लग रहा, वो देखियो। राइड इसके बाद तीसरी राइड भी है। बच्चे होते हैं ना राइड में बहुत मजा आता है, मेरे को तो मजा नहीं आता भाई। राफ्टिंग में एडवेंचरस होता है थोड़ा, खुद से पैडलिंग करो। अभी यहाँ पर तो ये लोग घुमाते हैं। गाइस अभी खा रहे हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं मलाई आइसक्रीम। भाई जरा मस्तानी। हेलो गाइस दो भैया अपन है ट्राई करते हैं। आई के साथ में खा ली नहीं, एक ही चाहिए अंकल। ओ बाजू रमस्ता चलो। हाँ देखो कितना क्राउड है। तो मैम और सर भी आ चुके हैं और आंटी भी आ चुके हैं। देखो बच्चे क्या कर रहे इधर। ये लिया है, ये इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। क्या बोलते भैया से? नली बोलते हैं। अच्छा नली क्या नली। और गाइस यहाँ पर कितना क्राउड है। अभी हमारे जो वीडियो बनाई है ना, मुझे लगता है ऐसी वीडियो बना के लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे यार क्या जगह है बीच है ये बीच। रियलिटी देखो बीच की, रियलिटी चेक ये रियलिटी। और हमारी वीडियो चेक दिखाती हूँ। अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना, हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी और हमारे देखना पोस्ट देखना। गौरी का चौक क्या है गौरी का, गौरी का चांदना इसको फॉलो कर लेना देख लेना इसकी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। वीडियो फोटो तो ऐसी खींची हमने और सामने देख लो आप रियलिटी चेक। सनसेट आ गया पर लोग बीच में आ रहे हैं। चलो वापस अब हम आगे जा रहे हैं कहीं पर। हम सोच रहे होटल चले जाए, पहले सर से परमिशन लेते हैं। इनका पेट देखो आप चलो। गाइस खट्टा मीठा चीजें। हमने तो दिख रहा है दिखने रहा, तो लगा कोई बॉल टंगा होगा कसम से। सच में आंटी बॉल जैसा लगा। देखो देखो अब देखना कैमरे पे। बॉल नहीं लग रही कोई बॉल से, लाल रंग की बॉल लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल और कपड़े चेंज करते हैं, सोशल इनिशिएटिव के लिए निकलते हैं। गाँव की तो सही है ना ये जगह। वैसे यहाँ से ना अमिताभ बच्चन का घर ज्यादा पास में है, तो वो मुझे कॉफी में बुलाने वाला है। मैं मिलने जाऊंगी अभी उससे। अच्छा क्या रहे हो मिलने, मैं उनके साथ चाय पीने जाऊँ। राइट तो मैम को भी बुलाया अमिताभ बच्चन ने चाय के लिए है ना मैम। वो तो डिनर पे गया था, मैंने कहा सर टाइम मिलेगा तो आ जाऊं। ओ भाई देखो ये बस की लाइन लगी यहाँ पर, ऐसा ये कहना है खुशी का। हाँ सर सच्ची में लगी हुई है बस की लाइन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगती है वो वहाँ तक बस, क्योंकि यहाँ सारे बस है ना इसलिए। और ये यहाँ का स्टैंड है दिल्ली का, तो भाई अच्छा है स्टैंड है। पैदल नंगे पैर चुभ रहा है इतना ज्यादा, मिट्टी इतनी ज्यादा, पहले अपने हाथ पैर धोएंगे फिर निकलेंगे सोशल मिशन के लिए। सर सर और मैम तो ऐसे आए हैं कि बस फोटो खिंचाएंगे वापस। तो वैसे हम निकल चुके हैं
थोड़ा सा मेरे कॉन्टेंट लेगी आधा ब्लॉग, जो मेरा ब्लॉग है इसके ब्लॉग में भी देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि मैं खाते खाते जा रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही। ये खाते जा रही हम, ये क्या इमली कच्ची कह रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, अब चलते हैं रूम पे और कपड़े चेंज करते हैं। बस सबसे पहली बात, रेडी हो चुके हैं सोशल नेशन के लिए ये, और खुशी भी रेडी हो गई है। अब चलते हैं, पहुंच चुके हैं वर्ल्ड गार्डन, अब चलते हैं अंदर। और बहुत लेट पहुंचे, 8:30 बज गए हैं। उर्फी जावेद गाइस, उर्फी जावेद, उर्फी जावेद यार। आपने देखा उर्फी जावेद को, हम ना अनन्या पांडे से ही मिल जाते, बट वो हमारे सामने से गई, जस्ट शो खत्म हो गया, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वही बात है, रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो सीधा सामने से गई। तो भी हम संभाल ले रहे हैं, और इसको पहली भूख जाती है, अब भी खा के हम ना इसको फिर भी भूख लग जाती है। इसने बहुत कम खाया है वहाँ पर जुहू बीच में से, बहुत कम खाया है जिसने भी पहली बारी फ्राइज एंड बर्गर किए। अभी हम लोग आगे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, अभी कोई मिल नहीं रहा हमें बिल्कुल भी, है ना। गाइस शॉकिंग, वरुण धवन यहाँ पर है भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा, ये तो अचानक से आया है। गाइस अभी हम बैक स्टेज है, यहाँ पीछे जो गाड़ी दिख रही है वरुण धवन की है, और हम वरुण धवन से मिलने जाने वाले, पता नहीं मिलते नहीं मिलते, बट अब कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। वाली गाड़ी है वरुण धवन की, तो यहाँ अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, और आप देख रहे हैं एकदम मेन स्टेज से यहाँ पर वरुण धवन, वरुण धवन ने भी यहाँ पर परफॉर्मेंस की थी वगैरह वगैरह, पर हम वरुण धवन से मिल नहीं पाए, बहुत देर तक खड़े रहे, बट यार सर और भी हमें ढूंढ रहे थे ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टाइम पे सर के साथ ही रहें, इसलिए यहाँ पर डालते रही। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब सीधे ले तो खत्म कर दिया एकदम।